अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये देखिए जी, अब भी अम्मी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ उठा रही है। सूखी लकड़ियाँ सीधी गई, अभी अम्मी जलाएगी आग। तो आपने हमारे साथ रहना, जब तक आग जलती है हम लोग अम्मी को देखते हैं कि अम्मी क्या आग कैसे जलाती है। आग जलानी बड़ी मुश्किल है भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम भी ठीक हैं। तो अभी हम बनाते हैं, अभी हम बनाते हैं बिरयानी। और बिरयानी हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम अब हम वो सिंपल सी खाते हैं, तो हम भी आपको बना के उसी तरह दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। ये जी अम्मी ने कपड़े तय किए, आज हम लोगों ने कपड़े धोए थे अम्मी, एक ही कमीज़ रह गया जो तय कर रही, बाकी ये देखो कितने सारे मैंने धोए हैं। ये देख, मैंने भी धुलवाए, ऐसी बात नहीं। हाँ, इसने भी धुलवाए हैं, ज़ारा ने भी धुलवाए हैं। हाथ पे हम धोते हैं तो हम आई ये जी देखे, ज़ारा जो है कर रही है, प्याज काट रही है। आँखों से पानी आ रहा है, तो ज़ारा की आंखों से पानी आ रहा है, प्याज काट रही है। तो मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे आग अभी जल नहीं रही। बस मैं अभी जा रही हूँ उधर, आग जलाते हैं, कैसे जलाते हैं ये आपको दिखाती हूँ। ज़ारा देखो खानसामा बन गई है और अच्छे प्याज काट रही है। ये सब मेरी मदद करवाते हैं। ये देखिए जी, हम लोगों ने प्याज रख दी ऊपर चूल्हे के ऊपर, अब ये ब्राउन होने का इनका इंतज़ार करेंगे। और ये अम्मी कूटी अदरक लहसुन, देखिए बिरयानी बता रही है। थोड़ा ऊँचा बोल पाता हूँ मैं, वे दी रही हूँ। अभी अम्मी डाल रही है जी अदरक लहसुन, अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। ये हम लोग डाल रहे हैं दालचीनी, बड़ी इलायची, और ये है अपना क्या कि एक ही लौंग डालूंगी मैं तो, और ये थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, ये हम लोग डाल देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे चिकन, चिकन ऐड कर रही है हमने। चिकन को थोड़ा सा भून के, चिकन को थोड़ा सा भून के, क्योंकि ये ऐसे जो चिकन होती है ना, वो थोड़ी सी हो जाएगी सख्त, और इसलिए हम लोग ना इसको थोड़ा सा भून लेंगे पहले, बाकी मसाले फिर बाद में डालेंगे, जो भी बाकी मसाला मसाला डालेंगे वो बाद में डालेंगे। अभी अम्मी डाल रही है जी नमक, हमारी चिकन अच्छे तरीके से भून चुकी है। अभी हम लोग इसमें डालते हैं सारे मसाले, वरना ये ना कूटना शुरू हो जाती है। सारे मसाले इसमें डाल देंगे, ये हम लोग अभी इसमें सारे मसाले डालेंगे। हमने अच्छी तरह ये फ्राई कर ली है और मसाले डालेंगे, वरना ये टूट जाएगी। और फिर पानी अपना अपना छोड़ देंगे, टमाटर भी, ये टमाटर भी साथ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, काफ़ी पानी छोड़ेंगे फिर ये मुर्गी टूट ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अभी डाल देते हैं साथ दही भी, और इसी के अंदर ये भी अपना पानी छोड़ेगी, और टमाटर थोड़े से भू चुके हैं, ये गल भी जाएगी और
ये साथ तैयार भी हो जाएगी। अब हम डालेंगे बिरयानी मसाला, इसमें डाल दिया हमने तो बिरयानी मसाला भी डाल दिया, वो भी साथ हो जाएगा। और देखो मुर्गी भी, मुर्गी भी अच्छी तरह हो गई है, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है हमारी, गल चुकी है। अब मसाला भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है, अब करेंगे जी मिक्स। ये हमारा कोरमा भी तैयार होने वाला है। हमें ये देखिए जी हमारा कोरमा कितना मज़े का तैयार हो चुका है। अभी हम थोड़ी सी रेड मिर्ची डालेंगे कि हमें थोड़ी सी चटपटी चाहिए। मसाला भी हम लोगों ने ऐसे डाला। वाह, आपने बताना है जी हमारा कोरमा कैसा आपको लगा। अब बिरयानी भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगी, तो आपने हमारे साथ रहना। अब हम हरी मिर्ची भी काट के डाल रहे हैं कोरमे के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब हम चावल की तैयारी करते, चावल उबालेंगे। आपने हमारे साथ रहना। ये देखिए जी मानो नाम लेकु, नाम अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी। ये सारे पानी हम लोगों ने रख लिया। ये जीरा, ज़ीरा, काली मिर्ची और लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये पानी के अंदर डालेंगे। और ये एक पत्ता है, ये भी डाल देते हैं, वो है ही नहीं हमारे पास दूसरा। अब डालेंगे नमक। अब इसमें डालेंगे ऑयल। की ऑयल नहीं, नहीं इसके अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं। ये देखें जी हमारा पानी उबल चुका है। अब इसमें चावल डालेंगे हम लोग। ये अब इसको थोड़ा सारा मिक्स करेंगे, चमचा हिलाएंगे। अब इसको इसके ऊपर फिर ढकना दे देंगे। अब ये बॉईल होगा, उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। तो आपने हमारे साथ रहे। चावल उबल चुके, अब हम उतार रहे हैं। ये देखो जी चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये देख अभी तवे लगाते हैं। चलो और ज़ारा करी सफाई। ज़ारा ने जी देखो सफाई की, अब पोछा लगा रही है। बिस्मिल्लाह। हम चावल लगाएंगे तय तय चावलों को। ज़ारा वो दूसरा वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लगा रहे हैं तय हम लोग। ये अभी दूसरे चावलों की तह लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाह।
ये देखिए जी अम्मी अभी धनिया काट के डाल रही है ऊपर। काट हम लोग और कुछ भी नहीं डालते, हम लोग सिर्फ धनिया डालते हैं ऊपर और कुछ भी नहीं डालते। हमारे बच्चे नहीं खाते तो फिर धनिया जब पूरा काट लेगी उसके बाद हम इसको दम पे रखते हैं। फिर हरी मिर्ची भी काट के रख देंगे थोड़ी सी बस। देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो बिरयानी हमारी बनी है बहुत मज़ेदार और अभी हम लोग लगाते हैं इसको दम। तो दम जब खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कैसी बिरयानी। आपने हमारे साथ रहना और हमारे साथ रहिएगा। ये देखें जब हम लोगों ने दम पे रख दिए, जब इसको दम आ जाएगा फिर जब उतारेंगे फिर आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना। ये देखिए जी ज़ारा ने काम कर लिया। ये जी हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। तो हम लोग इसका दम अभी खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। क्या बात है जी, बहुत मज़े की बिरयानी हमारी तैयार हुई है। तो जी हम लोगों ने आपको ये रेसिपी दिखाई है तो हमें लाइक ज़रूर करें। ये कैसी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। अब हम लोग इसको ज़रा निकाल के खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी बनी है। हाँ, जो किसी बहन भाई को भूख लगी है तो हमारे साथ आके खा सकता है। तो ये अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन ज़रूर दबाओ। अल्लाह हाफिज़।